हरियाणा राज्य के करनाल जनपद में, जिला मुख्यालय करनाल से पूर्वोत्तर में लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर बसा कलकल कर बहरी पश्चिमी यमुना नहर के पूर्वी तट पर स्थित करनाल जनपद के 4 उपमंडलों में एक HR 75 क्रमांक से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत शहर इंद्री। जिला मुख्यालय करनाल से यमुनानगर को जोड़ने वाले राजमार्ग पर करनाल से लगभग 20 किलोमीटर यात्रा तय करने के पश्चात सड़क इंद्री शहर में प्रवेश करती है। नई अनाज मंडी परिसर, गुरुद्वारा परिसर एवं प्राचीन शिव मंदिर से होते हुए सड़क शहर के शहीदी चौक पर पहुंचती है। शहीदी चौक से उत्तर में मुख्य राजमार्ग बाईपास होकर हथनी कुंड से आने वाली पश्चिमी यमुना नहर के सेतु से होकर उत्तर में लाड़वा यमुनानगर की ओर प्रस्थान कर जाता है। शहीदी चौक पर ही इंद्री का न्यायालय परिसर, तहसील एवं उपखंड अधिकारी कार्यालय आदि स्थापित हैं। शहीदी चौक से पूर्वोत्तर में सड़क मुख्य इंद्री शहर की ओर प्रवेश करती है। शहर में प्रवेश करते ही नगर पालिका इंद्री का आधुनिक कार्यालय एवं इंद्री बस अड्डा का परिसर दिखाई पड़ता है। इंद्री से आसपास के शहरों में आवागमन हेतु सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बस स्टैंड से थोड़ा आगे ही गुढ़ा मोड़ एवं शहीद उधम सिंह चौक स्थित हैं। यहां से पश्चिम में पुराना लाड़वा रोड एवं पूर्व में मेन बाजार मार्ग एवं गढ़ी बीरबल मार्ग प्रारंभ होते हैं। शहीद उधम सिंह चौक पर शहर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर्बल पार्क का परिसर भी स्थित है। यह उद्यान अपने प्राकृतिक सौंदर्य से मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ता है। गुढ़ा मोड़ से पूर्व में प्रारंभ होने वाला गढ़ी बीरबल मार्ग शहर की महत्वपूर्ण सड़कों में एक है। इंद्री शहर एवं शहर में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर इंद्री शहर में वर्तमान में लगभग 23,500 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से करनाल जनपद का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। इंद्री प्रशासनिक दृष्टिकोण से करनाल जनपद की 5 तहसीलों एवं 4 उपमंडलों में एक है। इसकी दूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर एवं राज्य राजधानी चंडीगढ़ से लगभग 110 किलोमीटर की है। गढ़ी बीरबल मार्ग पूर्व में बढ़ते हुए सिविल अस्पताल चौराहे पर पहुंचता है। यहाँ इंद्री का उप जिला अस्पताल एवं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिसर स्थित है। सिविल अस्पताल चौराहे से पूर्व में नया बाजार, दक्षिण पूर्व में गढ़ी बीरबल मार्ग एवं सिविल अस्पताल के ठीक सामने उत्तर की ओर मेन बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर थाना इंद्री का प्रशासनिक कार्यालय स्थित है। थाने से थोड़ा आगे मेन बाजार के मध्य में हनुमान मंदिर चौराहा स्थित है। हनुमान मंदिर से पूर्व में मेन बाजार गीता भवन की ओर जुड़ता है। पश्चिम की ओर मेन बाजार उधम सिंह चौक की ओर बढ़ जाता है। मेन बाजार इंद्री का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान दोनों ओर कतारबद्ध दिखाई पड़ते हैं। इंद्री ब्रिटिश काल में ब्रिटिश पंजाब राज्य के करनाल जनपद की करनाल तहसील में सम्मिलित था। देश स्वतंत्र हुआ तो यह भारतीय पंजाब राज्य का हिस्सा बना। 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया तो इंद्री करनाल समेत हरियाणा राज्य का अंग बन गया। मेन बाजार अपने पश्चिमी छोर पर शहीद उधम सिंह चौक पर जुड़ जाता है। सिविल अस्पताल चौराहे से गढ़ी बीरबल मार्ग दक्षिण पूर्व की ओर वाल्मीकि चौक की ओर बढ़ जाता है। हरियाणा राज्य के सृजन के पश्चात इंद्री में तहसील एवं उपमंडल मुख्यालय स्थापित किए गए। वर्तमान में इंद्री राज्य के तेजी से विकसित होते शहरों में एक है। गढ़ी बीरबल मार्ग वाल्मीकि चौक से होते हुए पूर्व में गढ़ी बीरबल एवं उत्तर प्रदेश के गंगोह की ओर प्रस्थान कर जाता है। वाल्मीकि चौक भी शहर के मुख्य चौराहों में एक है। वाल्मीकि चौक से पश्चिम की ओर स्थित नया बाजार वाल्मीकि चौक को पुनः सिविल अस्पताल से जोड़ता है। नया बाजार वर्तमान में पूर्णतः व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनकर उभर रहा है। इंद्री करनाल जनपद अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। यहाँ के स्थानीय निवासी करनाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। नया बाजार अपने पश्चिमी छोर पर
सिविल अस्पताल चौराहे पर जुड़ जाता है। शहीद उधम सिंह चौक से पश्चिम में जाने वाला लाड़वा मार्ग पश्चिमी यमुना नहर पर बने पुराने सेतु को पार कर राजमार्ग से जुड़कर उत्तर में कुरुक्षेत्र तिराहे से होते हुए लाड़वा यमुनानगर आदि की ओर प्रस्थान कर जाता है। इंद्रियाना इसे कैमरे में संजोना एक सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंद्री पर बनाया है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो इंद्री शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री श्याम।